2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर बरेली के गांधी उद्यान में सुबह 7 बजे से ही काफ़ी चहल पहल थी। दरअसल हिंदुस्तान समाचार पत्र की ओर से आयोजित माँ कसम हिंदुस्तान स्वच्छ रखेंगे हम अभियान के तहत 8 बजे से स्वच्छता मैराथन की शुरुआत होनी थी। स्वच्छता की इस मुहिम में यह जन सहभागिता 8 बजते-बजते हजारों में पहुँच गई। 9 बजे के करीब बरेली के प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक गांधी उद्यान पहुँचे। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद केंद्रीय रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद धर्मेंद्र कश्यप और नगर विधायक अरुण कुमार के साथ ही अपार जनसमूह के साथ उन्होंने स्वच्छता की शपथ ली। कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चित्तार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया कि जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण है कि वहां के नागरिक ना गंदगी करते हैं और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव गांव, गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा, वो भी मेरी स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। इसके बाद गांधी उद्यान से स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया। करीब 2 किलोमीटर चलकर चौपला चौराहे के पास मैराथन को विराम दिया गया। वहां एक बार फिर प्रभारी मंत्री ने सभी से गली मोहल्लों के साथ ही शहर और देश को भी स्वच्छ रखने की अपील की। इसके बाद सभी ने हिंदुस्तान की ओर से दिए गए स्वच्छता के शपथ पत्र को भरा और दूसरों से भी इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। बरेली से लाइव हिंदुस्तान के लिए मैं पंकज वत्स, धन्यवाद।